हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब दोस्तों। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल में, जिसका नाम है एक्सपर्ट नॉलेज। आज फ्रेंड्स हम स्टूडियो में चंडीगढ़ पुलिस के एडमिट कार्ड्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं जैसे मैं ना लेते वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों आपको अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल पे आ जाना है, या भी आपको फिलअप करना है चंडीगढ़ पुलिस एडमिट कार्ड, ठीक है। इतना फिलअप करने के बाद दोस्तों आपको सर्च पे क्लिक कर देना है। जब सर्च पे क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे फर्स्ट में चंडीगढ़ पुलिस एडमिट कार्ड, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, ठीक है। तो फ्रेंड्स क्लिक करने के बाद देख रहे हैं यहाँ पे डेट ऑफ एग्जामिनेशन। दोस्तों आपका पेपर होना है 15, 16, 17 नवंबर को होना है, ठीक है, मतलब इसी महीने में, ठीक है। जबकि टोटल आपकी जो उसमें टोटल पोस्ट थी 520 थी, और नेम ऑफ पोस्ट कॉन्स्टेबल की वैकेंसी थी दोस्तों ये, ठीक है। और फ्रेंड्स जब के एडमिट कार्ड आए हैं सीबीटी एग्जामिनेशन के लिए आए हैं, ठीक है। जो आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होना है, ठीक है, कंप्यूटर पे ऑनलाइन टेस्ट होगा आपका, उसके एडमिट कार्ड है दोस्तों ये, ठीक है। आपके जो एडमिट कार्ड आए हैं ये मतलब आपके टेस्ट के लिए है, टेस्ट के बाद आपका फिजिकल होगा इसमें। फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे डाउनलोड एडमिट कार्ड। दोस्तों आपका अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना है, आपको क्लिक हेयर पे क्लिक करना है। अगर आपको एग्जाम डेट के बारे में जानना है, ठीक है, तो आप ये नीचे ऑप्शन देख रहे हैं डाउनलोड एग्जाम डेट नोटिस, आप इसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इसका एग्जाम पैटर्न जानना है, सिलेबस के बारे में जानना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे इसके सामने क्लिक का ऑप्शन दिया गया, आप इसके ऊपर क्लिक करके सिलेबस और एग्जाम पैटर्न के बारे में जान सकते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स अगर आपको ये नहीं पता कि एग्जाम में किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे या फिर आपका पेपर किस प्रकार से डिजाइन किया जाएगा, तो फ्रेंड्स आपको यहाँ पे देख रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर को आप चेक करके फ्रेंड्स जान सकते हैं कि आपका पेपर किस हिसाब से होगा, ठीक है। आगे पेपर में किस टॉपिक से किस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो आपको सब सब न्यूज यहाँ पे मिल जाएगी साइट पे। दोस्तों जब साइट देख रहे हैं, साइट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं डाउनलोड एडमिट कार्ड, मैं इसके ऊपर यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ फर्स्ट लिंक पे। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ। जब फ्रेंड्स आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं, आप देख रहे हैं फ्रेंड्स इस पेज पे आप आ जाएंगे, ठीक है। इस पेज पे आपको आके फ्रेंड नीचे आ जाइए। देख फ्रेंड्स आप साइड में देख रहे हैं क्लिक हियर टू डाउनलोड एडमिट कार्ड फॉर द सीबीटी ऑफ रिक्वायरमेंट ऑफ कॉन्स्टेबल 520 पोस्ट, ठीक है। तो फ्रेंड्स आप साइड में देख रहे हैं स्लाइड, आपको इसको यहाँ पे आ जाना है, ठीक है। आप फर्स्ट ऑप्शन पे देख रहे हैं लिंक पे, आप उसके ऊपर क्लिक कर देना है। मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ अभी। जब आप यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आप इस पेज पे आ जाएंगे। फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे एडमिट कार्ड डाउनलोड। दोस्तों 8 तारीख से आप एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। 8/11/2018 से लेके 17 तारीख तक दोस्तों, ठीक है। देख रहे हैं आप यहाँ पे क्लोजिंग एडमिट कार्ड डाउनलोड एंड 17/11/2018, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको एडमिट कार्ड डाउनलोड करके दिखा देता हूँ अभी। फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे लॉग इन क्रेडेंशियल। दोस्तों आपको अपने एडमिट कार्ड इंग्लिश में चाहिए, हिंदी में चाहिए, आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे। तो मुझे इंग्लिश में चाहिए, तो मैं यहाँ पे इंग्लिश में कर देता हूँ। और फिर नीचे देखिए आप रजिस्टर नंबर, यहाँ पे आपको अपना नंबर भरना है, रजिस्टर नंबर जो एप्लीकेशन नंबर होगा दोस्तों आपको वो यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे भर रहा हूँ एप्लीकेशन नंबर अपना। दोस्तों एप्लीकेशन नंबर डालने के बाद फ्रेंड नीचे देख रहे हैं आप पासवर्ड। पासवर्ड में दोस्तों आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है, ठीक है। फ्रेंड ध्यान रहे, पहले आपको ईयर डालना है, फिर महीना और फिर डेट, ठीक है। तो मैं डाल रहा हूं अभी। दोस्तों डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद फ्रेंड्स देख रहे हैं यहाँ पे नीचे कैप्चा कोड आपको ये मिलेगा, ठीक है। आपको ये फिलअप कर देना है। अब दोस्तों इतना फिलअप करने के बाद फ्रेंड नीचे देख रहे हैं लॉगिन, आपको इसके ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। इतना सब फिलअप करके आपको लॉगिन पे क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ लॉगिन पे। जब फ्रेंड्स आप लॉगिन पे क्लिक कर देते हैं, आपके सामने एडमिट कार्ड आपके सामने आ जाएगा। हाँ जी फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे आपका एडमिट कार्ड आपके सामने आ चुका है। ऊपर आपको अपना एप्लीकेशन नंबर मिल जाएगा, रोल नंबर मिल जाएगा दोस्तों, कैंडिडेट का नेम दोस्तों, ठीक है, डेट ऑफ बर्थ आप आराम से चेक कर लीजिएगा, और दोस्तों फादर नेम मदर नेम आपको सब कुछ मिल जाएगा यहाँ पे। आपको एड्रेस पूरा दिखा दिया जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और दोस्तों आप देख रहे हैं एग्जाम डेट 15/11/2018 को एग्जाम होगा, एंड रिपोर्टिंग टाइम दोस्तों 7:30 की है, ठीक है। गेट ऑफ क्लोजिंग टाइम दोस्तों जबकि रिपोर्टिंग टाइम 7:30 तक की है, ठीक है। जो गेट बंद होने का समय है 10 बजे का, ठीक है। 10 बजे के बाद आपको एंट्री नहीं होगी। और दोस्तों आपको एग्जाम स्टार्ट होना है 10:30 बजे, एग्जाम स्टार्ट होगा। और दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पे एग्जाम एंड टाइम 12:15 में दोस्तों एग्जाम खत्म हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। आपको मतलब टोटल टाइम मिल गया है इसमें 1.5 घंटा, और दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे 1.5 घंटा तकरीबन आपको टाइम मिल जाता है इस पेपर में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस दोस्तों इतना ही। दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और फ्रेंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फ्रेंड थैंक यू सो मच।